तो गाइस क्या आपको भी एक न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो। एंड ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच करिए, आपको पूरे फुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को मोबाइल से ही क्रिएट कर सकते हो और कम टाइम में एकदम इजीली आसानी से कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। ये आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपको क्या से क्या करना होगा, ठीक है ना। आप अगर चाहते हो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो एंड मोबाइल से ही वीडियो को शूट करो और मोबाइल से ही अपलोड करो, ठीक है, तो सारा का सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना, तो चलिए हम अपना यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। जैसे यहां पे आप ओपन करते हो ना, आपको यहां ऊपर राइट साइड में प्रोफाइल का आइकन दिखेगा। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो ऊपर एस लिखा हुआ है, तो मैंने एक जीमेल क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। आपको अगर जीमेल नहीं क्रिएट करने आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि कैसे जीमेल को क्रिएट करते हैं। एंड जैसे ही आप जीमेल क्रिएट करते हो उसके बाद आपको यही स्टेप फॉलो करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, यहाँ देख सकते हो आप, ये मेरा जीमेल है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ आने के बाद आपको यहाँ नीचे लिखा आएगा योर चैनल, इस पर टैप कर देना। तो चलिए हम इस पर टैप कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, ये पिक्चर एंड उसके बाद नाम, उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है क्रिएट चैनल। तो आपको यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं सिलेक्ट करना तो ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पे आप नाम, ठीक है, नाम को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं एड चैनल पे, ठीक है, क्रिएट चैनल पे। एंड जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब क्या हो गया, चैनल क्रिएटेड, चैनल मेरा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब हमें आना है यहाँ एडिट चैनल पे, ठीक। यहाँ जैसे ही आप आते हो, यहाँ आपको अपना जो भी फ़ोटो रखना है, आप अपने चैनल पे जो भी फ़ोटो रखना चाहते हो यहाँ पर रख सकते हो। एंड यहाँ पर आना है आपको सज्जाद अंसारी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके इसको चेंज कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी लिखना है, तो जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नाम लिखना है, आपको टेक का बनाना है तो टेक, या गेम्स का बनाना है तो गेम्स, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे उसका नाम लिखना है जो आप जिस नेम का चैनल बनाना चाहते हो, यहाँ पे लिखना है। फिर से आते हैं नीचे ऐड है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हो कि आपके चैनल में कौन कौन सा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर गेम का बनाते हो तो आपको लिखना होगा अच्छे से पूरा, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आप ये सब लिख सकते हो, बस सिंपल सा सेटअप है। और यहाँ पर कैमरा पर आना है, इसमें दो कैमरा होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोफाइल वाला है एंड ये एक होता है जो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। यहाँ पे आप अपना जो भी आपको डिटेल देना होगा, आप नंबर या आप अपना यूट्यूब चैनल का डिटेल्स थोड़ा सा बना सकते हो, इसको भी एडिट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको एडिट कर लेना है, बस सिंपल सा सेटिंग, उसके बाद आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा एंड आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख पा रहे एडिट चैनल है, यहाँ से मैनेज वीडियो, यहाँ पर क्रिएट लिखा रहा है, क्रिएट ए वीडियो, यहाँ से आप क्रिएट को वीडियो को क्रिएट कर सकते। एंड ये प्लस का आइकन पे जाके यहाँ अपलोड ए वीडियो, यहाँ से आप अपलोड वीडियो को कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्रिएट ए शॉर्ट, यहाँ से शॉर्ट वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। नीचे दिया है गो लाइव, यहाँ से आप लाइव जा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप आओगे वीडियोस पे, तो यहाँ जो भी आप वीडियो अपलोड किए रहोगे यहाँ पे आपको वीडियो दिखाएगा, यहाँ प्ले लिस्ट दिखाएगा, यहाँ चैनल्स दिखाएगा, जो भी आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए वो दिखाएगा। यहाँ अबाउट में आना है, तो यहाँ आपको ये दिखाएगा कब आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपके चैनल पर कितना व्यूज़ आया है, ठीक है ना। यहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। एंड यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में अबाउट में लिखना चाहते हो कुछ ना, तो वो भी लिख सकते हो, जैसे वहां मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में, वो सब यहीं पे आ जाता है, ठीक है ना। तो बस ये है। एंड होम पे आओगे तो आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। एंड एडिट चैनल पे जाकर आप फिर से कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। मैनेज वीडियो पे आओगे तो आपको सारा का सारा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ से भी अपलोड वीडियो पे क्लिक करके आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो। एंड बस इतना सा ही सेटिंग है। एंड आपको ना एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, YT स्टूडियो, ठीक है, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। तो आपको क्या करना है, YT स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है, ये सर्च करना है। एंड जैसे ये सर्च करते हो ये आ जाएगा यूट्यूब स्टूडियो, ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसमें आपको सारा डिटेल बताया जाएगा, ठीक है ना, कितना व्यूज़ आया, कितने टाइम पर क्या आया, सारा डिटेल्स आपको इसमें बताया जाएगा। तो बस यही है, वीडियो ऐसे ही आप क्रिएट कर सकते हो चैनल को। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।